क्या बोलते हलवादार? अरे ये क्या बोलेगा, सरकारी नौकरी है, एकदम ठाट है। आजा, आजा। टाइम वेस्ट हो गया। अरे तो क्या हुआ, बाहर निकल गए ना, फिर से हम अपना धंधा खड़ा कर लेंगे। अच्छा, सब हलवा है क्या? अरे हलवा खा लेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे। और तेरी कमला का क्या होगा? ए, तो कमला का नाम मत ले, अगर दोस्ती की बात आए तो कमला क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ऑटो रुक, पोस्ट ऑफिस जाने का कितना लेगा? 70 रुपए। 70 रुपए? अबे जेल में 6 महीने था, 6 साल नहीं, किसी और को बनाना, समझा? चल जाने दे, सीधा सीधा। तू जब यहाँ था तो हम सबका कितना ख्याल रखता था बेटा, तेरे जेल जाने के बाद हम सब तो एकदम उदास हो गए थे, तेरा कोई हालचाल नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया हो, अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अरे खाकी, फिर कभी नहीं जाऊंगा। एक बात तो बतानी रह ही गई, जब तू जेल गया था ना तो कुछ पुलिस वाले यहाँ आए थे। बेटा जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है, मेरी मानो तो तुम मुरली से दूर ही रहो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या रहे इसके अंदर? दूध है साहब। चेक कर। अबे ऐसे नहीं, ऐसे चेक कर। अरे क्या कर रहे साहब, दूध गिरा दिया। ए देवा, क्या रे गुस्सा आ रहा है? साधु का चोला ओढ़ लेने से पुराने पाप नहीं धुल जाते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जरा, अगर दोबारा इस एरिया में अपना धंधा शुरू किया तो एक बार तो बच गए, दूसरी बार जान भी जा सकती है। चलो रे सब। देवा, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था वो ड्राइवर मिल गया है। वफादारी जान से कीमती चीज है, जिसमें वफादारी नहीं उसे जीने का हक नहीं। मुझसे गलती हो गई देवा। अरे नहीं, यह गलती नहीं है, इसको बोलते नियत में खोट। इसलिए मैंने स्मगलिंग की और तू बना पुलिस का खबरी। देवा मेरी बात सुनो, जो तू बोलने वाला है उसी से फैसला होगा कि तू यहां से जिंदा जाएगा या फिर मुर्दा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। कल रात जो मालगाड़ी आ रही है उसके चारों डिब्बों में एमएलए मुरली श्राप की पेटियां मंगा रहा है। इसे जिंदा रखो जब तक ये साबित ना हो जाए ये सच बोल रहा है। ये सच है देव, मेरी बात। अगर चाहता है तेरा भेजा तेरी खोपड़ी में ही रहे तो जल्दी फूट इधर से।
हमने जितना भी माल मंगाया था सब देवा ने कब्जे में कर लिया है। भाई क्या है, कल रात को देवा के लोगों ने हमारा माल चोरी कर लिया है। मेरे को मालूम है तुम मुरली के लिए काम करते हो और वो इसके लिए अच्छी कीमत भी देता है, पर मैं उसका डबल दूंगा। बस बदले में इतना ध्यान रखना कि कोई भी पुलिस वाला हमें परेशान ना करे, ऐसी पेटियां मिलती रहेंगी। हेलो कमिश्नर, मैं मुरली बोल रहा हूँ। अराकू से आने वाली मालगाड़ी से मेरा माल लूट लिया गया है। मैं जानता हूँ ये देवा के लोगों का काम है, शाम ढलने से पहले मुझे मेरा माल मिल जाना चाहिए। सर ये इतना आसान नहीं है, एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाकर सामान चोरी की रिपोर्ट लिखाइए, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये जानते हुए कि माल ना जाया जाए, कमिश्नर मुझसे रिपोर्ट लिखवाने को कह रहा है। जरूर उनकी गोद में बैठ गया है, अब बात सुन, जैसा कह रहा हूँ कर। शहर के हर पोर्ट पर मुरली ने कब्जा कर लिया था, और क्योंकि बस्ती वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था इसलिए उन्हें सजा देने के लिए नौकरी से निकलवा दिया। क्या रे, अपनी गैंग को यहाँ क्यों लाया है? काम से क्यों निकाला? मेरी मर्जी, मैं रखूँ या ना रखूँ तुझे उससे क्या? जब तक रखेगा नहीं यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग ने सुना इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग देखने आए कि हमारे लोगों को चोट तो नहीं लगी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो जो काम पे आया था उसको बोला, हम लोग चले जाएंगे। अरे वो नहीं आ सकते, वो सब छुट्टी पर हैं। बेकार में इल्जाम मत लगाओ समझे। रजिस्टर पर हाजिरी लगी हुई है, आप खुद ही देख लो। क्या नाटक है ये? अरे कुछ नहीं साहब, मैं बस अटेंडेंस लगा के पैसा जेब में रख लेता हूँ। अच्छा, देखो देवा बहुत ही शातिर आदमी है और उसे कमिश्नर का सपोर्ट भी है, बात करके अपना मामला सुलटा लो। ठीक है, कर दिया ना गुड़ गोबर, चल। देवा अकेले में बात करनी है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा किया हुआ है, ये मैटर यहीं खत्म कर दो। बदले में क्या चाहिए बोलो? सबको परमानेंट नौकरी दे दो। परमानेंट? उन्होंने मेरा साथ दिया इसलिए तुमने उनकी नौकरी छीन ली, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करूं। और जो 70,000 का फटका लगेगा उसका क्या? पटका अगर सोचो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाए तो फिर कितना बड़ा फटका लगेगा, और फ्रॉड के केस में अंदर डाल दिया तो जेल में कितने फटके लगेंगे। मैं अच्छी तरह समझ गया, तुम उन सबको बुला लो, मैं सबसे बात करके अंगूठा लगवा के भेज दूंगा। फिर छाण बत्ती? नहीं नहीं नहीं, तुमने तो केस किया बुलापत, तो अचानक सब कैसे मिल जाएंगे? तुम पेपर मुझे दे दो, मैं साइन करवा के दे दूंगा, समझा छाण? चलता हूँ। कमिश्नर देवा को हर मुसीबत से बचा रहा है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों नहीं करवा देते? रास्ते का कांटा हट जाएगा। जमीन के बाद समंदर पर भी हमारा राज होने लगा। कमिश्नर हमारी तरफ था इसलिए हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। चलो चलो आ जाओ, माल उतारो। पूरे स्टेट में किसी को भी दारू चाहिए होगी तो वो हमारे पास आएगा। माल लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी और उसे ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझ गए? धीरे धीरे हमें पैसों का असली रूप रंग सब समझ में आने लगा। लगातार लूटा जा रहा है माल, अब क्या कटोरा लेके भीख मंगवाओगे? ये सब उठा के उधर रख। नमस्ते भाई।
मुरली से परेशान लोग हमसे हाथ मिलाने लगे। मेरी नीयत तो सिर्फ उनकी मदद करने की थी, पर मुरली समझने लगा कि मैं उसके खिलाफ कोई बगावत कर रहा हूँ। देवा, दिव्या के लिए कोई रिश्ता है? रिश्ता? मुझे कमला ने बताया, तुझे पता है वो कौन है? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत दिनों बाद हमारे घर में कोई मांगलिक अवसर आया है। वैसे ये कौन से स्कूल में? अब ये स्कूल में नहीं, कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में? कब से? अरे कब से क्या, अब तो इसे 2 साल होने वाले हैं। पिछली चारों तो अंगूठा छापती है, तो पढ़ी लिखी है, मेरी तो लॉटरी लग गई। आप यहाँ? मैं इसे अरेस्ट करने आया हूँ। पर इन्होंने किया क्या है? इसने क्या किया है? 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके 5वीं शादी करने जा रहा है। हा? सर मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। जेल में भी टॉयलेट है, वहाँ कर लेना। चल अभी चल। छोड़ दीजिए ना सर, जाने दीजिए ना, दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने ये सब आपकी नजरों में हीरो बनने के लिए नहीं किया। एक गलत जीवन साथी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है, उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढिया जो उसे जिंदगी भर खुश रखे, बाकी उसकी शादी का खर्चा मैं उठा लूंगा। आपकी तरह मेरी भी एक ही इच्छा है, उसकी खुशी, और कुछ नहीं। मुझे गन चाहिए। इधर आओ, मैं देता हूँ। तुम्हारे पास नहीं है क्या? अगर इसके साथ रहे तो कुआरे मर जाओगे, चलो भागो। ये क्या कर रही है? संभल के, ये खिलौना नहीं है, असली गन है। चल रहे। क्या कहा था तुमने? किसी और लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बसा लूं? हाँ, और शादी का खर्चा तुम उठाओगे, है ना? और उसके बाद मैं जिंदगी भर उसे झेलती रहूं? अगर तुम्हें मेरे खुश रहने की इतनी ही परवाह है तो वो खुशी तुम मुझे खुद क्यों नहीं दे सकते हो? देखो दिव्या, मेरे हाथ में गन है, भूलो मत। बोलो। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, अपनी लवर की शादी किसी और से करा के तुम मान बनना चाहते हो? तो बोलो क्या करूं? शादी कर लो मुझसे। बच्चों के नाम सोच लिए?